हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि 100 डेज का क्रैश कोर्स मटेरियल अब तैयार हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एसएससी का एग्जाम जो है वो 4 जून से स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर आप आज यानी कि 15 आज तो 14 फरवरी है, लेकिन 15 फरवरी से लेकर अगर आप जून तक का देखें तो आपके पास मोटा मोटी 100 डेज है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत दिनों से चल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए एक ऐसा मटेरियल मैंने तैयार किया है कि जिसकी मदद से आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 160 प्लस स्कोर आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें वही सारे चीज दिए हुए हैं। और इसका सोर्स क्या है कि प्रीवियस ईयर है, 10 बुक, यानी कि अगर इस वक्त अगर आप 2-3 बुक या 4 बुक या बहुत सारे चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा कि हर बुक का कलेक्शन आपको इस बुक में मिल जाएगा, इस मटेरियल में, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर से लिया गया है। बहुत सारे बुक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, फॉर्मूलाज लिए हुए, थ्योरम्स लिए हुए, कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, तो हर चीज आपको यहां मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। यानी मोटा मोटी अगर आप 5-6 घंटा आने वाले 100 दिन में अगर आप टाइम देकर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 160 प्लस आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मटेरियल के बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से जान लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है उस पर भी आप ध्यान अच्छे से दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरा चैनल 25,000 प्लस सब्सक्राइबर के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा ही प्यार मिलता रहा आप लोगों की तरफ से तो थोड़ा ये चैनल और भी थोड़ा ग्रो करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, अब थोड़ा पॉइंट का बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 4 टॉप सब्जेक्ट हैं, ठीक है। रीजनिंग हो गए, मैथ्स हो गए, जीके हो गए, इंग्लिश हो गए। और आप जानते हैं कि इन्हीं 4 सब्जेक्ट से सेक्शन से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। और इस 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 200 मार्क्स के आते हैं। और इसमें से 160 प्लस स्कोर अगर आपका आ जाता है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 70% आपका चांस यहीं से सिक्योर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि देखिए, अब क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको जो है रीजनिंग में आपको कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग को लेकर परेशानी होती है। वो बोलते हैं कि रीजनिंग का भी कोई मटेरियल है तो वो दीजिए। मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर 30 यानी 30 मॉक टेस्ट अगर प्रीवियस ईयर से पूरे एनालिसिस के साथ अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है वो 45 प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने किया है और उनको पता है कि रीजनिंग में 45 प्लस स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि एवरेज 90% स्टूडेंट्स को 45 प्लस आते हैं स्कोर, ठीक है। बस आपको ये करना है कि जो 3-4 सेक्शन जो हो गया, वो जो क्वेश्चन हो गया वो नहीं आते हैं, उस पर आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और स्टडी कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात ये रही, तो रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा इतना ही करना है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना है मतलब कुछ नहीं करना है, बस आप 30 मॉक टेस्ट का बना लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, आपको स्कोर आ जाएगा। इंग्लिश के लिए आप देखिए, इंग्लिश में क्या है कि 3 सेक्शन होते हैं, वोकैब सेक्शन होते हैं, ग्रामर सेक्शन होते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। वोकैब सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स फ्रेजेस, साइनो, एंटो, स्पेलिंग एरर, ये सब जो होते हैं, इन सभी को मिलाकर टोटल आपके 16-18 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन से आपके कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इन सबसे 20 मार्क्स आते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, आपको पारा जंबल्स भी आ सकता है, फिलिंदर, मतलब इन सब टाइप में जो है आपको 10 मार्क्स के आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है अब मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसा मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर किया है कि जिसमें वोकैब सेक्शन, मतलब आप इस मटेरियल को पढ़ने के बाद नहीं आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत है, नहीं आपको किसी अदर पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की जरूरत है, नहीं आपको एसपी बख्शी पढ़ने की जरूरत है, नहीं आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इन सारे बुक का जो इम्पोर्टेंट आपको वोकैब के क्वेश्चन हो गए वो आपको इस मटेरियल में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, ताकि इसको पढ़ने के बाद जो है आपको किसी भी तरीके से अदर पब्लिकेशन की तरफ ना जाना पड़े और आपको एकदम आपके सामने सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको डिटेल रूप में यहाँ दिया हुआ होगा। और उसके बाद आपको बस करना है कि आपको 1 घंटा देना है और इसको जो है डेली जो है पढ़ते रहना है और उसको रिवाइज करते रहना है और टाइम टू टाइम जो भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको उसको आपको फिर से पढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहां से इस मटेरियल को पढ़ने के बाद जो है आपको 16-18 मार्क्स के लिए आप एकदम सिक्योर हो जाइए, ठीक है।
और जो है ग्रामर सेक्शन के लिए मैंने क्या किया है कि कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव नरेशन, इन सब का जितना भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स होते हैं उसका मैंने पूरा कलेक्शन और भी कर लिया है। और उसके बाद वो मैं बहुत जल्द, यानी जिन जो लोग पहले ग्रामर का कैप्सूल लिए हैं उनको मैं और भी एडिशनल चीज देने वाला हूं, और जो लोग अभी लेते हैं उनको तो वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस मटेरियल को पढ़ने के बाद जो है आपका 20 मार्क्स यहां से आ जाएगा। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, पैसेज बनाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैं इंग्लिश सेक्शन में वोकैब और ग्रामर सेक्शन का पूरा इस मटेरियल का जिम्मेवार लेता हूं कि इस मटेरियल को पढ़ने के बाद जो है आपका यहां से 30 केवल इसको पढ़ने के बाद आपके 30 प्लस स्कोर यहां से आ जाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं यानी ओवरऑल आपका 35 प्लस स्कोर रीडिंग में इंग्लिश में मैं आपको यहां से दिलवाने वाला हूं। ठीक है, 100% ये एकदम मान के चलिए आप। ठीक है, तो रीजनिंग में आपके 45 मार्क्स उस तरीके से आपको आ जाएंगे, इंग्लिश में इस मटेरियल के वजह से आपको 35 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करें मैथ सेक्शन, ठीक है, मैथ में मैंने अरिथमेटिक के और एडवांस के दोनों के आपको दिए हैं प्रोवाइड। और एक चीज और, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीयर वन के लिए आपको ये मटेरियल है, ये मटेरियल यूज आपका टीयर वन और टीयर टू दोनों में आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि टीयर वन के बस को साइड कर दें, ये टीयर टू तक आपके चलेंगे। उसके बाद मैथ ऐसा सेक्शन है कि उसमें मैंने अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उसको मैंने इसमें डाला है। ठीक है, एडवांस मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस मॉक टेस्ट में डाला है, टोटल आपके 800 प्लस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। उसके बाद 300 प्लस आपके न्यू क्वेश्चंस हो गए, ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये जो है इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है। तो मैं उनको बोला था कि फरवरी लास्ट तक उनको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थ्योरम्स आपके दिए हुए हैं, इतने ज्यादा दिए हुए हैं थ्योरम्स की, मतलब उसको टीयर टू तक आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला दिए हुए हैं टीयर वन के 2017 के क्वेश्चन है आपके, उसके बाद टीयर टू के दिए हुए हैं। और ये सब चीज करने के बाद मैथ्स में इस मटेरियल को पढ़ने के बाद आपके डेफिनेटली स्कोर 40 से लेकर 45 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम निश्चित है इस मटेरियल से, बाकी आप अगर और करते हैं तो आप 50 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जीके में जो है, जीके सेक्शन में आपको जो है हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन और करंट अफेयर्स। तो क्योंकि स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो लुसेंट पढ़े, अरियंत पढ़े, प्रीवियस पढ़े, इन सब में इतना दिया हुआ होता है कि रिवीजन ठीक से हो नहीं पाता है। तो मैंने एक ऐसा मटेरियल फिर वहां जीके के लिए तैयार किया जो 100 डेज में आपको ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब कुछ कवर है यहाँ पर, जो आपको पढ़ना है, जिसकी मदद से आपको जीके में 35 प्लस स्कोर आ जाए। और ये मैं आपको 100% कह सकता हूं कि जीके का मटेरियल जिन लोगों ने लिया है और जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद लेंगे वो, उनको मैं एश्योर करना चाहता हूं कि आपका स्कोर जो है टीयर वन में 35 प्लस स्कोर आएगा। साथ में मैंने करेंट अफेयर्स का पीडीएफ यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, फिलहाल उनको मैं जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं उनको देने वाला हूं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि करंट अफेयर्स इतने ज्यादा सफिशियंट होंगे कि इसको पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको आप छोड़ ही देंगे, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए इंग्लिश के लिए। ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें हर चीज दिया हुआ है, हर चीज। ये करीबन अभी फिलहाल इसको मैं बाद में आपको डेमो दिखाता हूँ क्या क्या है उसमें। तो यहाँ पर आपके जीके सेक्शन हो गए, तो जीके के लिए आपको सिर्फ 100 डेज में यही करना है, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से आप 35 स्कोर ला सकते हैं। यानी कि आपको हर चीज, कोई भी चीज आपको छांटना नहीं है, आप खुद से ये सब चीज करेंगे, ये सब चीज आपको ऑलरेडी उस मटेरियल में प्रोवाइड है। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2018 में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग चलते हैं कि आखिर उस मटेरियल के बारे में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं कि क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। देखिए, मैंने जो है करंट अफेयर्स के लिए पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सब कुछ आपको यहां पर दे दिया है। ठीक है, और इतना याद रखिए कि ये अभी सिर्फ आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी का पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, और जो है अभी इसको पढ़ने के बाद आपको मई तक में, अप्रैल के लास्ट तक में या मई तक में, मई के लास्ट में ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां तक में आपको फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद आपके जो है करंट अफेयर्स में जो 10 मार्क्स के आपके आएंगे वो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं होंगे। ठीक है, बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी आप देख लीजिए, हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, हर चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे।
और भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल इसमें ऐड क्या हुआ है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको अलजेब्रा के चैप्टर वाइज तैयार हो चुके हैं, जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के चैप्टर वाइज हो गए, आपको सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो गए, तो टाइम टू टाइम आपको हर चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मटेरियल मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको करना सिर्फ इतना ही है, इसके लिए आपको बता देते हैं कि ये मटेरियल अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज मिले, ठीक है। तो और मैथ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका है, तो जिन लोगों को अभी मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख ले कि मैथ के वीडियो में है क्या, वोकैब के वीडियो में है क्या। जीके का मटेरियल अभी नया है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जीके का मटेरियल जो है इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम में हर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग भी मुझे मेल करें, ठीक है, मैं उनको बताता हूँ मेल किस पे करना है। तो वो बता दे कि उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनमें हिंदी मीडियम वाले को अभी 10 दिन और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल जीके जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट मटेरियल है, इससे बेस्ट मटेरियल उनको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैथ जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए, वो कैप तो हिंदी इंग्लिश होता नहीं है। तो फिलहाल ये चीज मैं बता दिया, हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए जो है 10 दिन अभी और रुकना पड़ेगा, उनको और मिल जाएगा, ठीक है। करना सिर्फ इतना ही है। इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको बता दूं कि वो कैप सेक्शन जो है वो कैप और ग्रामर, यानी कि वो कैप और ग्रामर का जो प्राइस है वो 400 रुपीज है। 500 रुपीज मैंने रखा था, सोचा था, लेकिन ये अभी ऑफर पीरियड में चल रहा है, लेकिन अभी जो है 400 रुपीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जीके और करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो आपको ओनली 300 में मिल रहे हैं। मैंने 500 रखा था, लेकिन अभी ऑफर पीरियड है तो ये 300 तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ्स 500 के थे, लेकिन वो भी मैं आपको 300 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी टोटल अगर कोई पूरा कंप्लीट पैकेज लेना चाहता है तो 1000 रुपीज उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये सही है कि 1000 इन्वेस्ट करके उनको मैं टीयर वन में 160 प्लस जो है स्कोर उनको मैं दिलवाने वाला हूँ, ठीक है। और आप इस बात के लिए 100% श्योर रहिए, ठीक है, ये मैं एकदम आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, रहिए। उसके बाद क्या है, करना पेमेंट मेथड सिंपल है, सिर्फ यही है कि आप पेमेंट मेथड करने से पहले सबसे पहले तो roshanmuz6@gmail.com पे आपको मैसेज करना है, और वहां पर मैसेज करने के बाद जो है आपको पेमेंट का मेथड है आपको गूगल पे का, पेटीएम का नंबर आपको दिया हुआ है 9304772103, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं 7667626395, बैंक अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बैंक अकाउंट से पेमेंट करना हो तो सबसे पहले तो roshanmuz6@gmail.com पे तो आपको मैसेज करना ही होगा। और एक चीज और, जब आप पेमेंट कर दें उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मैसेज करें, ठीक है, आपको जो है मटेरियल 1 घंटे के अंदर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जीमेल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेथड है, इसीलिए ये आप ये ईमेल आईडी मेरा अच्छे से ध्यान में रखिए, roshanmuz6@gmail.com पे, वहां पे आपको फर्स्ट स्टेप में मैसेज करना है, ठीक है। पेमेंट आप पहले कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दीजिएगा, और जो है आपको मटेरियल 1 घंटे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल इस जो जितने भी मैंने मटेरियल तैयार किए हैं उसके बारे में कंप्लीट ब्यूरो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।